हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे टैलेंट कंपटीशन में। हमारी पार्टिसिपेट नंबर 7 है हरदा से आरती खंडेलवाल। इनका टैलेंट है कविता, तो ये मदर्स डे के उपलक्ष्य में काव्य नाटिका पेश कर रही हैं। मैं आरती अरविंद खंडेलवाल हरदा से आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा काव्य है मदर्स डे पर कलाकारों की अभिव्यक्ति। वैसे तो हर दिन ही माँ को समर्पित है, पर हम ऐसी भी कला चाहते हैं जो माँ को अर्पित है, पर आज हम ऐसी कला भी चाहते हैं जो माँ को अर्पित है। तो चलिए हम बढ़ते हैं उन कलाकारों की ओर, चलिए हम बढ़ते हैं हर कलाकार की ओर, क्योंकि हर कला भी आज बड़ी हर्षित है, चलिए माँ, आपका क्या प्रश्न है? मेरा पहला प्रश्न मूर्तिकार से है। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न मूर्तिकार से है। तुमने तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई है, और हर मूर्ति एक से एक बढ़कर पाई है, पर क्या कभी तुमने अपनी माँ की ओर देखा? अच्छा, पर क्या तुमने कभी अपनी माँ की ओर देखा है? कभी उसकी भी मूर्त बनाओ जो तुम्हें लेकर आई है। क्या बात है, कभी उसकी भी मूर्त बनाओ जो तुम्हें लेकर आई है। अरे माँ मेरी, अरे माँ मैं असंभव को संभव कैसे बनाऊंगी? चांद को जमी पर कैसे लाऊंगी? जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, उस सूरत को मैं मूरत में कैसे लाऊंगी? बोल, मैं उस सूरत को मूरत में कैसे लाऊंगी? असंभव। मेरा दूसरा प्रश्न चित्रकार से, अरे चित्रकार, कई रंग तुम्हारी कला में बिखरे पड़े हैं, और हर रंग कल्पना से परे हैं, पर तुम वो चित्र बनाओ, जिसने तेरे जीवन में रंग भरे हैं, माँ मैं वही रंग तो खोज रही हूँ, जिससे मैं माँ का चित्र बनाऊँ, पर वह रंग मुझे मिल ही नहीं रहा, वो रंग कहाँ से लाऊँ? सतरंगी इस दुनिया में हर रंग का मेला है। माँ की तस्वीर बनाने बैठी तो फीके पड़ गए हर रंग, वो रंग कहाँ से लाऊँ? मेरा तीसरा प्रश्न संगीत के जादूगर से तुम अपने संगीत का ऐसा जादू दिखाओ, कि माँ को हर पल अपने सम्मुख पाओ। क्या बात है, जिसने तुम्हें आवाज़ दी है। अरे भाई, कभी उसके लिए भी तो थोड़ा गुनगुना। माँ मेरी आवाज़ का जो जादू छाया है, वो सब मेरी इस माँ की ही माया है, पर मैं आज तक वो गीत ना गा सकी, जिसने हर बार मुझे सुलाया है। मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं एक नृत्यकार से कर रही हूँ। क्या बात है, एक नृत्यकार से मेरा प्रश्न। नृत्य में कथक सर्वश्रेष्ठ है, पर सृष्टि में माँ सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है, बेटा कुछ ऐसा करके भी दिखाओ कि तुम्हारा नृत्य ऑल द बेस्ट है, माँ आपका तो हर कार्य ही नृत्य है। मैं तो ताल ही समझती रहती हूँ और माँ की चूड़ियाँ खनक जाती हैं। मैं तो घुंघरू ही बांधती रहती हूँ और माँ की पायल झनक जाती है, और मैं तो सिर्फ स्टेज पर ही ऑल द बेस्ट हूँ, पर मेरी माँ तो सभी जगह सुपर ऑल द बेस्ट है। माँ अभी भी कुछ प्रश्न बाकी रह गया क्या? अब जो प्रश्न है वो प्रश्न है मेरे तुमसे, एक कवि से। क्या एक कवि हृदय से प्रश्न है, वो प्रश्न मेरा ये है कि तुम भी तो शब्दों के शिल्पकार हो। अच्छा, तुम भी तो शब्दों के शिल्पकार हो और कल्पनाओं के कलाकार हो। क्या बात है, तुम ही माँ पर कोई ऐसी रचना बनाओ कि तालियों का चमत्कार हो। क्या बात है, अच्छा
माँ माँ और मेरी माँ। अरे शीर्षक और कविता में अंतर समझ नहीं आया। शीर्षक और कविता में अंतर है बेटा, शीर्षक और कविता में अंतर समझो। मैं कवि बन जाऊँ ये अवश्य संभव है माँ, मैं कवि बन जाऊँ ये अवश्य संभव है, पर माँ का वर्णन कर सके ऐसा ना कोई काव्य है, पर माँ का वर्णन कर सके ऐसा ना कोई काव्य है। तब भी मैंने लेखनी तो उठा ली है, तब भी मैंने लेखनी तो उठा ली है, पर पता चला कि माँ शब्द में ही संपूर्ण महाकाव्य है, माँ शब्द में ही संपूर्ण महाकाव्य है। धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा इनका टैलेंट? इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।